फर्स्ट टाइम टेस्ट कर रहा हूँ मैं भी उठने का दूध का आइसक्रीम, मैं पहली बार ऊंट में उठने वाला हूँ। आप लोग सोच देखते हो अचानक से मिला, लेकिन भाई का जो यहाँ का ऐसे ही लोग है, मतलब इतना प्यार देता है ना, कब अपना। हाँ भाई, हेलो सर जी, कैसे हो? और भाई ठीक है, ठीक है। धन्यवाद धन्यवाद। क्या नाम है आपका? विराज। ओके, आपका नाम क्या है? गुंजन। ओके वाओ, मैम नमस्कार। आइए, भाई ने जो खातिरदारी किया ना आने। अरे यार थैंक यू सो मच, सच में। अरे कोई बात, मेरे पास आप लोग जुबा, मैं सोच रहा हूँ क्या बोलूँ, इतना जितना भी बोलो इन भाई लोगों के बारे में उतना ही मेरे लिए कम लगेगा। भाई थैंक यू सो मच, यहाँ का जो हॉस्पिटलिटी है और जो अपना फैमिली का प्यार है मुझे, बहुत नेक्स्ट लेवल अल्टीमेट भाई। तो गाइस आज ना मेरे लिए सबसे बढ़िया दिन होने वाला है, वो क्यों बाद में बताता हूँ, पहले तो गुड मॉर्निंग गाइस। हाँ बोल दीजिए। तो गुड मॉर्निंग गाइस, सभी को नमस्कार और स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो पर। अभी मॉर्निंग का कितना बज चुका है भाई? नहीं बताता। लेकिन बहुत ही 10:17 हो गया, बहुत ही बढ़िया से अच्छा ये हो गया। अभी इधर दिन अच्छे खुलने लग गया, दून खत्म हो चुका है, ठंड खत्म हो चुका है। रात वाली तो है, दिन वाला खत्म। और सुबह सुबह बहुत ही बढ़िया से सूर्य उदय हो चुका था और काफ़ी जल्दी उठ गए थे। उठ के अपना काम जो रहता है, वीडियो एडिटिंग अपलोडिंग वो सब हो चुका है। अब ये बढ़िया से यहाँ पे चाय पीने पी लिया। ये था रेस्टोरेंट शर्मा होटल, रेस्टोरेंट नहीं है, शर्मा होटल। यहाँ पे भाई जी नमस्कार, कैसे हैं भाई आप? हाँ जी, कैसे हैं? बढ़िया है भाई। बढ़िया। ओ आपका नाम क्या है? सरमन जोशी। सरमन जोशी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओके साहब। और ये क्या आलू? आलू है। आलू बॉयल खाना बनाने के लिए प्रोसेस। अच्छा अच्छा ठीक है। इस तरफ एक अंकल जी, हेलो जी। और एक भैया थे ना अंदर है। ओके कोई नहीं, 26 जनवरी है तो 26 जनवरी है, आलू बोलेंगे। सभी को मेरे तरफ से हैप्पी गणतांत्रिक दिवस। और कुछ और कुछ बोलेंगे? और आलू खा लो आप, आलू खा लो। सब्जी, आलू सब्जी, बढ़िया सब्जी बनाते हैं आप। ठीक है, ठीक है। मटर गोभी मिक्स सब्जी बनाएंगे, मिक्स सब्जी बनाता है। बढ़िया बढ़िया खाना है, देसी खाना है, राजस्थानी बढ़िया भाई, पूरा खाओ, रेस्ट करो, रेस्ट करो। ठीक है, दवाई मार के खाओ, खाना बहुत ही बढ़िया होता है यहाँ का। ठीक है, अच्छा से रहिए, चलता हूँ। ठीक है जी, फिर कभी आना। जरूर 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 जी। तो गाइस शायद मैं लास्ट जो खाना खाया था, मतलब भात, वो दिल्ली में खाया था राइस, तो उसका बाद में खाना मतलब राइस मिला ही नहीं मुझे, रोटी रोटी खा रहा हूँ, तो वही था। आज शायद मुझे मिल जाए यहाँ पे बीकानेर में राइस खाने को मिले तो काफ़ी अच्छा लगेगा, राइस मिल जाए और क्या चाहिए मुझे। लेकिन काफ़ी है, यहाँ का रोटी भी बहुत ही लाजवाब। ठीक है, आज का दिन का शुरुआत करते हैं। चलिए जीतू भाई। हाँ चलो 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 जी, पूरा तो हैप्पी गणतंत्र दिवस, 26 जनवरी है। हाँ जी, वीडियो एक दिन पेंडिंग चल रही है और ये वीडियो शायद 28 को मिलेगा, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। कोई नहीं, ठीक है, सब कुछ रेडी हो चुका है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है भाई। सफ़र जो है आगे का सफ़र और ही मज़ेदार और ही लाजवाब होने वाला, बेहतरीन बनाऊंगा मैं वीडियो, एकदम मस्त वाला। आप देख के बोलेंगे भाई क्या वीडियो बनाए सच में। और एक्चुअली मैं हर चीज़ को दिखाते हुए जा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो रहा है, 30 मिनट्स का बन जाता है, लेकिन कोई नहीं, आगे बहुत ही लाजवाब देखने को मिलेगा, मज़ेदार होगा वीडियो। चलिए चलते हैं। तो गाइस फाइनली बैठ चुका हूँ अपना साइकिल का ऊपर और आज का दिन का शुरुआत करते हैं, लेके महादेव का नाम हर हर महादेव। और यहाँ से बीकानेर का डिस्टेंस है 43 किलोमीटर, आज आराम से पहुँच जाएंगे। और इस तरफ है गौशाला है और मतलब खाना खा रहा है, चारे बोलते हैं गाय का, वो सब बहुत सारे है गाय, देख सकते हैं वहाँ भी अंदर ना पशुओं का चारा। और ऐसा कुछ है सुबह सुबह का नज़ारा, पूरा ग्रीनरी, पेड़ देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर लग रहा है। और रोड भी कितना खूबसूरत रास्ता है, देखिए रोड जो है काफ़ी बढ़िया है। वहाँ पे भी पशुओं का चारा रखा हुआ है थक के ऐसा कुछ। एक्चुअली गाइस मैप में दिखा रहा है 43 किलोमीटर, अभी जस्ट मैंने देखा और यहाँ पे लिखा हुआ है 39 किलोमीटर
ये तो थोड़ा ऊपर नीचे होता ही है, वो मुझे पता ही है, आप लोगों को भी पता है ज़्यादातर। थोड़ा थोड़ा ठंडा ठंडा हवा है, लेकिन कोई नहीं, क्योंकि धूप निकल चुका है ना बहुत ही बढ़िया से, उसके वजह से आराम से, कोई टेंशन नहीं है, मज़े से चलेंगे। ओ भाई, अचानक से मेरा वहाँ पे आ गया, कितना खूबसूरत दिख रहा है, पहले भी दिखाया मैंने लेकिन बहुत खूबसूरत है। और यहाँ पे एक पेट्रोल पंप मिल चुका है हमें HP का, देख सकते हैं। और गाइस, हम ना आने वाला दिनों में कुछ अलग करने वाले, अलग मतलब खुद खाना बना के अलग जगह में कैंप लगा के मस्त जगह में वो करने वाले, मतलब खाना वाना खुद बना के खाएंगे। और उसके लिए आज बीकानेर से हमें बटन लेना है, और आप सभी को घुमाना भी है बीकानेर, खाएंगे बहुत ही बढ़िया से, फिर मस्त वाला कैंपिंग करेंगे, फिर बढ़िया बढ़िया खाना बनाएंगे, बढ़िया बढ़िया खाएंगे, मज़ा आने वाला है आने वाला दिनों में। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ भाई। ओ तो गाइस, काफ़ी दूर चल लिया और यहाँ पे हमें एक बीकानेर बाग रिसोर्ट मिला, देख सकते काफ़ी खूबसूरत है, अंदर है वो रहा, और सराउंडिंग पूरा बढ़िया से डिजाइनिंग वॉल दे के रखा हुआ है, काफ़ी खूबसूरत। और लगातार चले जा रहा हूँ ना, थोड़ा सा गर्मी भी लगने लगा है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है बीकानेर बाग 0 किलोमीटर, यही है बीकानेर बाग। और अभी तक हमें ढाबा नहीं मिला, चाय पीने के लिए वो मिला था दुकान, लेकिन चाय से तो कुछ नहीं होने वाला है, आगे देखते हैं, ढाबा मिलेंगे तो बढ़िया से खाना खाएंगे, रोटी। तो गाइस, अभी बोला ही था ढाबे के लिए, ये रहा ढाबा, मिल चुका है श्री बीकानेर फैमिली रेस्टोरेंट, वो 29 दिखा रहा है यहाँ से बीकानेर। तो अभी यहाँ पे बढ़िया से ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। और गाइस, मेरा साइकिल का स्टैंड ना पूरा टेढ़ा हो गया, अभी पूरा सीधा जगह में लगा ही नहीं सकता, पूरा साइकिल टेढ़ा हो जाता है। आज ठीक भी किया, थोड़ा सा उंगली में भी लग गया था मेरा। तो गाइस, अभी होटल का अंदर आ चुका हूँ, और खाने के लिए हमने ऑर्डर कर दिया है। और एक्चुअली आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का जो कमेंट में पढ़ता हूँ ना, इतना खूबसूरत, इतना बढ़िया लगता है, इतना प्यार दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, और आगे भी ऐसे ही देते रहिए। और एक भाई का कमेंट अभी मैं जस्ट रीड किया, वो बोल रहा था कि कुछ कैंपेन करो, खुद खाना बनाओ। हाँ जरूर भाई, जरूर मिलने, अब वही होने वाला है। हाँ, बस हम पहले ही करने वाले थे, अब वो पता ही हुआ, गैस चूल्हा मैंने ले लिया था, खाली बटन नहीं था उसके वजह से, बस अभी बीकानेर जाके बटन उसे ले लेंगे, कुछ बढ़िया से खाना डेली अलग अलग वेराइटी से खाना बनाएंगे भाई, मज़ा आएगा। ठीक है, अभी खाना वाना खाते फिर चलते हैं बीकानेर। बस यहाँ आ चुका है अपना खाना। भैया, इसको क्या बोलते हैं, इसको, ये सब्जी को? बड़ी। और ये तो दाल हो गया। अच्छा अच्छा। और अभी मुझे यहाँ पे भैया जी मिले, बिश्नो ना, भैया का नाम है बिश्नो, यहाँ पर ये सामने रहते, भैया से बात करके काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे लोग जो है बहुत प्यारे हैं, मतलब सडनली घुल मिल जाता है लोगों से, बहुत अच्छा लगता है। आपका जो व्यवहार होता है ना, बात करने का तरीका बहुत अच्छा है, दिल को वो कर लेता है, टच कर लेता है। तो थैंक यू सो मच, आप आए, बात किया, धन्यवाद। ठीक है, आपका गांव, ये गांव का नाम क्या है, मतलब कहाँ का? ये लोडसर। कुछ बताइए इसके बारे में। ये लोडसर है, बीकानेर से 27 किलोमीटर पहले। अच्छा 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 अच्छा। प्रॉपर यहाँ से नापा से दस किलोमीटर। ओके, ठीक है, धन्यवाद जी। अच्छा, और मैं बोल रहा हूँ ना, यहाँ देखिए रोटी भी पूरा घी लगा के देता है ना, कितना बढ़िया वाला। ठीक है, तो अभी खाते हैं, खा के फिर अपना जाने कंटिन्यूस करते हैं। तो गाइस, बढ़िया से खाना पीना हो चुका है, अभी चलता हूँ, उस टाइम यहाँ पे बैठा हुआ था, और एक्चुअली पानी नहीं है, जीतू भाई गया पानी भराने, ओ पी भी रहा है। कैसा है पानी, बढ़िया ना, स्वादिष्ट? सही है, टंकी वाला होता ना। हाँ, बारिश का पानी अच्छा, अच्छा होता है। हाँ, यहाँ मैंने भी भरा लिया, रास्ते में काम आ जाएगा। चलिए चलते हैं, बैग उग लेता हूँ और चलता हूँ। तो गाइस, सामने ये देखिए वंडरलैंड, क्या खूबसूरत दिख रहा है।
टिकट सिस्टम है अंदर। ओह पूरा मतलब पार्क जैसा है, बढ़िया। गर्मी में शायद अंदर स्विमिंग पूल होगा ऐसा लग रहा है देख के मुझे। वहाँ भी देखिए काफ़ी बढ़िया दिख रहा है भाई। वहाँ पे कुछ सेलिब्रेशन हो रहा है, पूरा अभी पटाखा फोड़ जाइए देखिए। वाओ अंदर शादी हो रहा है क्या किसी का, धरती धोरा रही ऐसा कुछ है। तो गाइस ये ट्रक देखिए कितना ओवरलोड किया है भाई, भाई साहब। तो गाइस अभी तो हमें सीधा ही जाना है, लेकिन सामने जो आपको ऊपर से रास्ता दिखाई दे रहा है वो है अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस वे भाई। और एक्सप्रेस वे में मैंने कभी आज तक उठा नहीं हूँ, लेकिन यहाँ से देख तो पा रहा हूँ भाई। सही है, यहाँ से जाने के लिए रास्ता भी है, बीकानेर भी जा सकते हैं यहाँ से, लेकिन हम लोग सीधा जा रहे हैं। मैंने साइकिल का स्टैंड खराब है मेरा यहाँ पे रखा। अरे पकड़ ले यार, पकड़ ले। नहीं अरे बजरी है ना, इसके ऊपर स्लिप कर गया। मेरे को ना एक सेकंड, मेरे दोबारा बकाने भाई है ना, बीकानेर की स्पेलिंग में अटक जाता है। बकाने क्या, बीकानेर, 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 बीकानेर क्या कुछ होता है बाकी नहीं, उलझा मरा था सुबह का 70 बार बता दे बीकानेर बीकानेर, फिर उलझ जाता है, भूल जाता है। और मेरे को अभी गुस्सा आ रहा है, एक तो धूप निकल गया, मेरा कपड़ा भी निकल गया दिखा ना, क्या धूप निकल गया और मेरा कपड़ा भी निकल गया, स्वेटर जैकेट, लेकिन उसको रखने के लिए काफी ज्यादा। अभी 2 दिन पहले तो बोल रहा था सूर्य देव तो दिखाई नहीं दे रहे, दिखाई नहीं दे, ठंड बहुत है, ठंडी बहुत है, नहीं नहीं चाहिए। अभी गर्मी में बोलेगा सूर्य देव तो रोज दिखाई देते हैं, नहीं जैसे भी हो गर्मी हो ठंडा हो सहन करेगा, इस बार हौसले बुलंद है। और जैकेट को जैसे तैसे करके इसका अंदर डाल दिया मैंने, ये बैग का अंदर, अभी पता नहीं बैग चक्का में लग के खराब ना हो जाए। तो पीछे लगा है ना कमर में, मैं भी तो लगाऊंगा, मेरा स्टैंड खराब हो गया उसके लिए मुझे गुस्सा आ रहा है थोड़ा सा। स्टैंड हो जाएगा ठीक, बीकानेर जाके बीकानेर भुजिया खाएगा, बीकानेर में ना मिठाई बड़ी मशहूर है, बीकानेर का चखेंगे पूरी मजे से चखेंगे। ओके मिठाई खाएंगे फिर घोड़ा, ऊंट गाड़ी भी आ गई, ऊंट गाड़ी, इसके टायर कितने बड़े बड़े टायर, मेरा यहाँ भी जान पहचान है, बाय बाय। नहीं बोले नहीं है भैया, बाय बाय, एयरपोर्ट वाली भाई, भाई। तो भाई कैसे हो, बढ़िया, कहाँ जा रहे हो आप लोग? अच्छा ये बालू लेके जा रहे हैं, ओके। अरे इसको क्या बोलते हैं आप लोग इधर, रेत, रेत मिट्टी, ओके 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 जी ठीक है जी, हरियाणा और ये भैया शाम से, ओके जी, हाँ। तो गाइस देख सकते हो मैं जाते हुए मतलब लोगों से पंगे ले लेता हूँ, अपना बना लेता हूँ, दोस्त बना लेता हूँ, भाई बना लेता हूँ, सभी लोग अच्छे हैं, ऐसे लोगों से मिलजुल के हमें चलना चाहिए आगे भी। तेरे को एक और इन्फॉर्मेशन दे दूँ ना, अभी कुछ अटक गया मुझे क्या बोलता है, अरे मैं मेरा ध्यान उधर था, बोल इधर आता, वो मेन हाईवे का है ना जो अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस वे, हाँ मुझे पता है, वो भारतमाला परियोजना भी यही रास्ता है। भारतमाला परियोजना सुनी है तूने? वो क्या है? वो अपने देश के चारों तरफ बॉर्डर के साथ साथ कुछ बन गया कुछ बनेगी, सुना था मैंने, हाँ वो वाली है। चल ठीक है, टाइम बहुत हो गया। तो गाइस मैंने ये जो छोटा बैग आगे बांध दिया ना, वो मार्टगियर का साथ टच हो रहा है तो शक्कर से साउंड निकल रहा है, तो अभी इसे चेंज करता हूँ, पीछे लगा देता हूँ बैग को, बस अभी हैंडल के ऊपर ही बांध दिया बैग को। यहाँ से बीकानेर 24 किलोमीटर दिखा रहे हो, और यहाँ पर ना गाइस ये ऑटो से ज़्यादातर काम के। हेलो भाई जी, फिर मिल गए दोबारा, वाओ ऑटो से काम किया जाता है, देखिए रेट लेके जा रहा था घर के लिए। भैया यहाँ नहा सकेंगे? अच्छा देख सकते हो पानी भी बहुत बढ़िया पानी है, और पता नहीं कितना दिन हो गया मैंने नहाया नहीं, तो गर्मी भी बहुत बढ़िया से निकल चुका है और रहने नहीं सक रहा हूँ भाई। अभी बढ़िया से नहाएंगे, यहाँ में फ्रेश फ्रेश पानी मिल चुका है, और फिर
चाय पियेंगे यहाँ पे, दुकान है देख सकते हो। और यहाँ पे मेरा दोस्त मिल चुका है, ये मेरा दोस्त कालू, ठीक है तेरे को खिलाऊंगा, रुक। क्या हुआ, चुप। और देखिए मेरा साइकिल का स्टैंड खराब हो गया ना, तो साइकिल को ऐसे रखने पड़ रहे। और यहाँ पे राजस्थान में मुझे सबसे बढ़िया क्या लगा, ये जो पेड़ है, पेड़ का यहाँ पे ना चिड़िया के लिए पानी उनी रखा जाता है, देखिए दाना वगैरह, ये सबसे बढ़िया काम किया है यहाँ पे, अच्छा लगा ये देख के मुझे। और यहाँ पे चिड़िया बहुत सारा है, और छोटा छोटा क्यूटी क्यूटी पप्पी भी है, वो रहा सामने, नहाते हैं। हाँ नहाता हूँ। तो गाइस आज ना मैंने इन प्यारे प्यारे टोमी लोग को बिस्कुट खिलाया, लेकिन मैंने मिट्टी में नहीं दिया था, ज़्यादातर यहाँ पे दिया, फिर एक दो फिर वहाँ पे देने पड़ा, क्योंकि झगड़ा लग जाता है ना, उसके वजह से फिर वहाँ पे भी दे दिया। ओए तो ठीक है गाइस, अभी बढ़िया से नहाता हो, एक्चुअली पूरा मुझे अभी बैग खोलने पड़ेगा नहाने के लिए, कोई नहीं, बहुत दिन हो गया नहाया नहीं, तो गर्मी, क्या हुआ, गर्मी भी लगने लगा ना, तो नहा लेते हो बढ़िया से। तो गाइस देखिए पानी ये पाइप से यहाँ टैंकी में जमा हो रहा है, और अभी बढ़िया से दोनों भाई नहाएंगे, भाई काफ़ी मज़ा आने वाला है। आप लोगों को पता होगा जब धूप होता है उसमें नहाने का मज़ा ही अलग होता है। जल्दी से नहा दो, उसका बाद मिलता हूँ फिर। तो गाइस नहा धो के बढ़िया से निकल चुका हूँ दोबारा से, और जल्दी जल्दी पहुँचता हूँ बीकानेर, चाय भी पी लिया था, चलता हूँ अभी। चलिए यहाँ में ना ये कुछ बना हुआ है, आई लव सुरंगी धानी, ऐसा कुछ बना हुआ है देख सकते हैं, पधारो सा। यहाँ से और बीकानेर 13 किलोमीटर रह गया है, और अभी कुछ दिखाने के लिए मैं रुका हूँ उस तरफ, मतलब पूरा पन्नी उन्नी लगा रखा है, केरी बैग होता है ना प्लास्टिक, देखे कुछ खेती करके रखा हुआ है, देख सकते हैं पूरा जितना भी भरा पड़ा हुआ है एरिया ढक के रखा हुआ है। से तो अभी पता नहीं लग रहा है क्या चीज़ का खेती है, पूरा पन्नी से ढक के रखा हुआ है, कवर करके रखा हुआ है, देख सकते हो सराउंडिंग पूरा दूर तक बहुत ज़्यादा, ये बीच में घर भी है वहाँ पे देख सकते हैं। तो गाइस अभी हमें नागौर की ओर जाना है, सीधा बीकानेर, फिर राइट श्री गंगानगर, मैं अभी बीकानेर नहीं जा रहा हूँ, बीकानेर ही जाऊँगा, लेकिन उससे पहले हम जा रहे हैं अभी ऊट प्रशिक्षण केंद्र है, उसे देखने के लिए और आप सभी को दिखाने के लिए, मेरा भी फर्स्ट टाइम है इसलिए जा रहा हूँ। यहाँ से और 10 किलोमीटर रह गया, और सामने और एक हमें टोल प्लाजा मिल चुका है यहाँ पर, इसे क्रॉस करते हैं। यहाँ पर गाइस ये श्री गणेश रिजॉर्ट बना हुआ है, देख सकते हैं बहुत बढ़िया है अंदर तो। चलिए गाइस अभी हम जो रास्ते से जा रहे हैं और जहाँ पे जा रहे हैं, मतलब कुछ ऊँट का प्रशिक्षण है वहाँ पे, तो काफ़ी ज़्यादा घूम के जाने पड़ रहे हमें, अराउंड 12 किलोमीटर तो हो सकता है, बीकानेर से थोड़ा आउटसाइड में, क्योंकि इतना दिन से हम लोग कुछ भी दिखा नहीं पाया। बीकानेर में आया हूँ तो जितना हो सके कोशिश करूँगा आप लोगों को दिखाने के लिए, इसलिए पहले आया हूँ यहाँ पे दिखाने के लिए, जहाँ पे ऊँट का प्रशिक्षण केंद्र, मैं भी फर्स्ट टाइम देखूँगा और काफ़ी सुना है उसके बारे में, तो वहाँ पे जाके पता लगेगा क्या है क्या नहीं, और अगर ऊँट में सवारी, मतलब ऊँट में घूमने का मौका मिले तो फिर उठूँगा सवारी करूँगा। और ये है आपका जोधपुर बाईपास रोड अभी जिसमें हम चल रहे हैं। तो गाइस हम लोग आया था वो रास्ते से, और सीधा जो रास्ता है वहाँ से जाता है बीकानेर, यहाँ से 8 किलोमीटर है, और फाइनली पहुँच गया हो, ये रहा सामने देख सकते हैं ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल। अभी चलते हैं इसका अंदर और दिखाते हैं आप सभी को, यहाँ पे कुछ दिखा हुआ है तस्वीरें, ये तो प्यारा सा देख सकते हो ऊँट का ऐसा बना हुआ है, यहाँ पे ये दिया हुआ है सब कुछ, लोग देख सकते हैं क्या क्या है क्या क्या नहीं, सब कुछ दृश्य के माध्यम पिक्चर आर्ट करके दिखा हुआ है, मतलब दिखाया गया है, तो
चलते अभी अंदर बरिया से, आप सभी को दिखाते एक्सप्लोर करते। और यहाँ पे भी ऐसा मैप दिया हुआ है, देख सकते ये सर अंदर का मैप, यहाँ पे टूरिस्ट मैप सब कुछ लिखा हुआ है, देख सकते हैं ना। तो चलिए चलते हैं अभी। आगे से एंट्री है, ओके धन्यवाद। तो हमें अभी आगे जाना है, आगे से शायद टिकट लेने पड़ेगा, फिर टिकट लेके चलिए देखते घूमते। और अभी गेट से अंदर आ चुके हैं, यहाँ पे अतिथि गृह लिखा हुआ है, ये सब शायद गेस्ट हाउस होगा अंदर में। अभी चलिए देखते हैं अंदर तक क्या प्रोसेस होता है। मेरा भी फर्स्ट टाइम है, जितना हो सके कोशिश करूँगा अच्छी तरह से दिखाने का। ये देखिए ऊँट का तस्वीर है। तो गाइस यहाँ पे साइकिल रख दिया दोनों भाई का, देख सकते हैं। और यहाँ पे बाइक उक रखा हुआ है, यहाँ पे पार्किंग एरिया जैसा है ऐसा कुछ है। और यहाँ पे तीन भाई मिले। हेलो, कहाँ से हो? यहीं से आप लोग? अच्छा ठीक है, बढ़िया। और देखिए बाइक को यहाँ पे रखने का कोई बढ़िया से फैसिलिटी है और ऐसा कुछ है सराउंडिंग। हाँ, मैं आसाम से, गुवाहाटी से। नमस्कार जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, गुवाहाटी भंगागर फैंसी बाज़ार नहीं, क्या बोले इसको, गणेशगुरी से पहले जीएस रोड, हाँ जीएमसी हॉस्पिटल भंगागर। ओके, हाँ जी, हाँ जी, साइकिल पे कर रहा हूँ। ओके, तो गाइस ये रहिए, तो गाइस यहाँ देख सकते हैं, ये रहा मेन गेट, मेन एंट्रेंस लिखा हुआ है बढ़िया से NRCC, यहाँ पे लिखा है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल। तो यहाँ पे बना हुआ है टिकट का घर, टिकट लेने पड़ेगा अभी हमें। तो अभी टिकट लेते हैं बढ़िया से और फिर आइसक्रीम भी मिल रहा है क्या? अच्छा, तो यहाँ पे आइसक्रीम मिल रहा है उठनी का। अच्छा अच्छा, उठनी का। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये मतलब टिकट का यहाँ पे प्राइस लिखा हुआ है 50, 200 और ऊँट की सवारी के लिए 100 रुपीज़। तो गाइस अभी ना यहाँ पे ऊँटनी के दूध से बने उत्पाद, ये देख सकते हैं पूरा लिस्ट दिया हुआ है और प्राइस भी दिया हुआ है, आप लोग बहुत ही बढ़िया से देख सकते हैं। अभी कुछ टेस्ट करेंगे। पहले आप आए थे, कुछ भी थे यहाँ पे, खाए थे आइसक्रीम? नहीं, बस सिस्टम उधर था ना। अच्छा तो ठीक है, अभी कुछ पहले टिकट ले लेता हूँ। भैया जी, और यहाँ पे भी देख सकते हैं पूरा मैप का वो लिखा हुआ है, ड्रॉ किया हुआ है। ऊँटनी का दूध, क्या बात है, कैमल कैमल, मजा कर रहे हो, लिखा हुआ है। ऊँट अनुसंधान केंद्र है तो ऊँटनी के दूध का ही मिलेगा ना प्रोडक्ट यहाँ। टिकट ले लिया जीटी भाई ने, दिखाना कितना करके लिया टिकट? 50, एक बनने का 50 करके। और अभी आइसक्रीम भी ले लिया हमने, फर्स्ट टाइम टेस्ट कर रहा हूँ मैं भी उठनी का दूध का आइसक्रीम, थोड़ा अलग लग रहा है, बढ़िया है। कितना लिया आइसक्रीम? 40 रुपये एक आइसक्रीम, 40 रुपये मतलब वर्थ है, अगर इंग्लिश में बोले तो वैसे पर्याप्त है। ठीक है, चलिए अभी अंदर चलते, अंदर चल कर आप सभी को घुमाते बढ़िया से। वैसे यहाँ पे देखिए एक प्यारा सा पप्पी, और हम लोग अभी अंदर आ चुके हैं, यहाँ पे टिकट चेक करते हैं, वो बैठे हुए सर जी। हेलो बैठे भाई, और यहाँ पे घुसने का साथ ही लिखा हुआ रहता है आई लव कैमल, ड्रॉ किया भाई, काफ़ी बढ़िया दिख रहा है। और काफ़ी ज़रा लोग आए हैं देखने के लिए, इस तरफ देख सकते हैं और आगे भी बहुत सारा लोग है, आगे चले गए। चलिए अभी अंदर चलते और आप सभी को दिखाते बढ़िया से। और आइसक्रीम भी काफ़ी टेस्टी लग रहा है सच्ची में, फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ मैं। तो बस अभी अंदर आ चुका, अंदर जो है काफ़ी बड़ा एरिया है। और अभी पहले चलता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है कैमल डेयरी, और यहाँ पे भी उठे और आगे भी पूरा सामने दिखाई दे रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तो वहाँ पर ही चलता हूँ और आप सभी को दिखाता हूँ। चलिए, काफ़ी लोग आए हुए हैं। तो बस अभी अंदर आ चुके, अंदर मतलब पूरा ऊँट के सामने देख सकते हैं, वो देखिए कितने सारे हैं। और वहाँ से ना ऊँट का दूध भी निकल रहा है ऊँटनी का, मैं दिखाता हूँ सामने से रुके। तो बस मैं सोचा था अंदर जाके बनाऊँगा वीडियो, लेकिन अंदर तो जाने नहीं दे रहा है, तो आप लोग यहीं से देख सकते हैं बढ़िया से।
दूध निकाल रहे उठने का, क्यों वो चाचा जी लोग हैं वहाँ पे, लेकिन अंदर जाने से मना कर रहे। मैं सोचा था सामने से दिखाएंगे बढ़िया से। दूसरी साइड गया वो तो पैक है, तो ताजा दूध नहीं मिलेगा। ये यहाँ से वहाँ जाता है और वहाँ पैकिंग करके बेचते हैं। तो अभी ये दूध लेके आया, सेम वैसे ही है ना गाय वाला जैसे। आइसक्रीम इसकी येलो होती है, उसमें चक्कर क्या ना, मतलब पीली होती है, उसमें कलर डालते हैं। अच्छा अच्छा, मैंने सोचा कलर ही ऐसा होता है, बट इसका वाइट है। ठीक है भाई, चलो फिर। अभी आप लोग कहाँ से आए? कौन आप लोग कहाँ से? मुंबई से। अच्छा अच्छा, मैं आसाम से। हाँ जी, नहीं मैं हरियाणा से हूँ। साइकिलिस्ट है, ऑल इंडिया साइकिल से चल रहे हैं। हाँ जी हाँ जी, साउथ से आ गया। आप लोग तो गेंडे देखते होंगे, ये थोड़ी देर। हाँ, हम लोग का वहाँ में वो गेंडा देखा, तभी ऊँट देखने का इसको मजा आ रहा है। हमें गेंडा देखने में मजा आएगा, हम लोग भी ये देख के आसाम जाएंगे। अच्छा अच्छा, हर एरिया का अलग अलग। हाँ वहाँ में, अच्छा वहाँ पे जाइए, बहुत अच्छा है। अच्छा अच्छा, वो टांगों में रस्सी बांध देता है ना। हाँ अच्छा, इंसान सकता नहीं दूध निकालते, खजा भी निकालते ना। हाँ वो देख, वो देख निकाल रहा है। ये आया मेरे पास ना प्रभा, तेरे को देख क्या, मैं दोस्त हूँ। वो देख, हाँ ऐसे दिखे निकाल रहा है वो रहा। ऐसे मैं तो सोचा था पांच से दिखाओ ना, क्या करे, होगा कोई नहीं, जैसे निकल रहे बस। वो आ गया, बच्चा भी आ गया उसका। दोनों चल रहा साथ में, बच्चा भी पी रहा और साथ में निकाले भी जा रहे। एक टाइम में 4-5 किलो दूध दे देती है। हाँ तो कैसे अभी ना, मुझे यहाँ पे कुछ एक अलग चीज़ देखने को मिला, मुझे तो आइडिया नहीं है कुछ भी, तो जीतू भाई को आइडिया है। तो जीतू भाई कुछ बोलिए इसके बारे में। देखने में झूला लग रहा था तेरे को। हाँ झूला नहीं है, ये जो ऊँट होते हैं ना, हाँ जी, उनके गले में रस्सी, नाक में रस्सी बांध रखी होती है। हाँ, हाँ, जो चलाते हैं। हाँ, मतलब रेडी वगैरह देखे जिसमें रेत वगैरह ढोते हैं। अच्छा अच्छा, तो उधर भी जा रहा है। तो ये इसमें सिखाया जाता है उनको। अच्छा, इससे रस्सी बांधी जाती है। ओके, पर बांध लेंगे कहीं भी बांध लेंगे, घुमाते रहेंगे घुमाते रहेंगे, कुछ दिनों में या कुछ घंटों में वो अपने आप सीख जाएगा, इसको पता लग जाएगा इसके सारे कैसे चल रहे हैं। ये डालने के बाद चलते रहेंगे, फिर जिधर मोड़ना मुड़ जाएगा वहाँ लिखा हुआ नर ऊँट अभ्यास। अच्छा अच्छा, सही है, धन्यवाद जी। बाकी लगभग सभी को समझ आ गई होगी, हमारे उधर पता कैसे। तो थोड़ा हाई लेवल हो गया ना। अच्छा, हमारे उधर मतलब जो बैल होता है, बैल और जोटा होता है, मतलब बफैलो का हस्बैंड होता है, अच्छा, उसको ऐसे सिखाते हैं बस, मतलब नाथ लगा दी, उसको खेत कूद में ले गए, बुग्गी में डाल के, मतलब बुग्गी में जोड़ के बोलते हैं। ओके ओके, वो जो ऐसी लेडी जिसमें उड़ जैसे लगा होता है ना, वैसे लगा के सिखाते रहते हैं, मुझे थोड़ा हाई लेवल है। सही है सही है। और यहाँ पे एक भैया जी मिल चुके। हेलो भाई, क्या नाम है आपका? हेलो, महेंद्र। महेंद्र, आप यहीं से हैं? बिल्कुल यहीं से। सही है, भैया को सडनली यहाँ पे मतलब मिला है भाई से, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और कुछ बोलिए यहाँ के बारे में मतलब। तो देखिए, ये जो अभी भाई साहब आए हैं, ये राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र है ये हमारे बीकानेर में। बीकानेर क्या कहूँ मेरा, हमारे राजस्थान में शायद एक इंडी रहते होंगे यहाँ। हाँ ठीक है, हमारे राजस्थान में एकमात्र है। ठीक है, और यहाँ पर जितने भी लगभग क्वांटिटी की बात करें, लगभग 350 के आसपास सारे ऊँट, यानी कि मेल कैमल फीमेल कैमल सारे यहाँ पे है। हाँ अच्छा, ठीक है, ये हमारे मतलब बीकानेर शहर से लगभग 5-6 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। हमारा जो मुख्य मतलब है शहर, वहाँ से लगभग 5-6 किलोमीटर पड़ता है। तो आप लोग आइए यहाँ पर और भाई का चैनल भी देखिए, बहुत अच्छा है। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना जानकारी दिया। अरे बस, बहुत बहुत आपका वेलकम। आपको जरूर जरूर जी। ठीक है, तो अभी घूमते हैं भाई का साथ ही, थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं यहाँ पे भी। तो गाइस वहाँ से देखिए, एक एक मतलब छोटा छोटा घर जैसा बना हुआ है, और हर घर में ऊँट रखा हुआ है। यहाँ पे भी ये यहाँ ऊँट देख सकते हैं। और अभी मैं भाई जैसे मतलब पूछने वाला हूँ, ये लोग का खाने का बारे में क्या खाते हैं क्या नहीं, आपको कुछ आइडिया होगा तो बोलिए। तो देखो, अभी जो सामने आपको दिख रहा है इसको चारा बोलते हैं। हाँ जी, जो मूंगफली की फसल होती है ना, हाँ जी, हमारे इधर नवंबर दिसंबर में इसकी कटाई हो जाती है कंप्लीट, यानी कि नवंबर के बाद में ये जो मूंगफली की फसल पक जाती है, जो हाँ, उसका थोड़ा वेस्टेज बच जाता है ना, हाँ, उससे चारा बनता है। अच्छा, तो ये अभी ऊँट को चारा दिया गया। थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूं, मूंगफली धरती में होता है जैसे आलू होता है, ये उसके ऊपर होता है, ऊपर काटो नीचे मूंगफली निकालो, ऊपर वाला पशुओं को डाल देते हैं। इनके लिए सूखा चारा हरियाणा पंजाब से भी आता है ना, जो रास्ते में आती है, इनको मतलब
अकेला इनको नहीं, इधर के जो गाय हैं भैंस इनको भी होता ना, क्योंकि इधर सूखा ज्यादा एरिया है तो फसल कम होते हैं, जहाँ होते चलो वो तो ठीक है, पर इतने में गुजारा नहीं होगा ना, इतना बड़ा राजस्थान रेगिस्तान है, एरिया बहुत बड़ा है, तो उतने से गुजारा नहीं होगा, फिर हरियाणा पंजाब से सारा अपना जो भी सूखा चारा इधर आता है उनको खिलाया जाता है। ठीक है जी, ठीक है, धन्यवाद। और इस तरफ भी देख सकते हो, हाँ कुल्फी, ठीक है ठीक है, खिलाऊंगा खिलाऊंगा, आइसक्रीम जरूर 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 हो जाएगा। बिहाइंड द कैमरा नहीं नहीं खिलाऊंगा, ठीक है, आप लोगों का साथी में बोल रहा हूँ भाई को खिलाऊंगा, ठीक है। अब हुआ एक भाई हो रहा मेरे साथ, ठीक है, अगर मुकरा वीडियो में बोल रहा हूँ इन दोनों को मैं आइसक्रीम खिलाऊंगा, इधर का हूँ तो इन दोनों को मेरी तरफ से आइसक्रीम पक्का मेरी तरफ से। और इस तरफ भी देख सकते हो काफी ज्यादा ऊट रखा हुआ है, बहुत सारा है, देख सकते हैं। तो गाइस अभी मैं आया हूँ, पहले तो सराउंडिंग देख लीजिए कितना बढ़िया है यहाँ पे, मतलब ऊट का सवारी किया जाता है, और यहाँ पे देख सकते हैं ये ऊट रखा हुआ है, हेलो हाँ वह सीढ़ी बना हुआ है, देख सकते हैं ऊट में उठने के लिए, ये सीढ़ी से होते हुए ऊट के ऊपर उठता है, फिर सवारी होता है, घूमता है, सोच रहा हूँ कि मैं भी करूँ, करने के लिए ट्राई करूँ उठने का, डर लगता है क्या? नहीं डर क्या? ओके, तो गाइस लाइफ में पहली बार ऊँट में उठने वाला हूँ। चलो आ जाओ, चल तू आगे बैठ, तू पहली बार ना थोड़ा, ठीक है, ओ ब्रावा, हाँ ये पकड़ते रहो, मैं रस्सी अब पकड़ लिया ये वाली, ओके ठीक है, ओके ओके, हाँ 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 भाई साहब अजब फील हो रहा है जितू भाई, मैं तो सेकंड टाइम है फील रहा हूँ मैं, और उस तरफ भैया जी है, मैं भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, मैं आ रहा हूँ भैया, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। एक्चुअली हम तो टिकट भी नहीं लिया था, वो भैया जी ने बोला कि कोई जान पहचान है तो चलो कराता हूँ, तो सच में गाइस कितना बढ़िया लग रहा है ऊँट में, ऊँट का सवारी, और वो भी साइकिल का हेलमेट लेके, ऐसा हिलते रहता है बस वही, लेकिन मज़ा आ रहा है बढ़िया। तो गाइस बहुत ही बढ़िया लगा ऊँट का सवारी करके, वो जगह पे आ चुका हूँ अभी, उतरता हूँ यहाँ से। चलिए तो गाइस अभी हम आए हैं, ये कैमल म्यूजियम है सामने, वो दिखने के लिए आप लोगों को दिखाने के लिए, और यहाँ पे कितना बढ़िया से वो, क्या आज एक्चुअली गणतंत्र दिवस था ना, उसके वजह से गणतंत्र दिवस यहाँ पे सेलिब्रेट किया था, तो और ये रहा महेंद्र भाई, हेलो, और भाई को मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि भाई की वजह से आज मुझे बहुत कुछ जानने को मिला, और स्पेशली जो कैमल राइड है, कैमल राइड मेरा फर्स्ट टाइम था, भाई की वजह से हुआ, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई का एक चैनल भी है स्माइल एवरीडे ना, स्माइल एवरीडे, आप लोग प्लीज़ जाइए और भाई को सपोर्ट कीजिए, और चलिए अभी म्यूजियम का अंदर चलता हूँ और दिखाता हूँ, चलिए ये रहा। तो कैसे अभी म्यूजियम का अंदर आ चुके हैं, और ऐसा कुछ है सराउंडिंग देख सकते हो, एक तरफ से मैं दिखा के जाऊंगा भाई, ये देखिए ये साइड ऊट से बना हुआ है, बैग वगैरह होते हैं ना, यहाँ पे भी सब कुछ दिया हुआ है, बहुत किस दिए, देखिए जूता उत्ता भाई, कैमल का स्किन से बना हुआ है जूता, सब मतलब ऊट से ही बना हुआ है चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये सब देखिए भाई, बहुत कुछ है यहाँ पे, ये साइड इसको तो पता नहीं है, लेकिन आप लोग देखिए बहुत ही बढ़िया, मैं धीरे धीरे से सबको सब कुछ दिखा रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा है ना, ये देखिए ये साइड ऊँट का ऊपर में लगाता है, इसके ऊपर बैठते होंगे, और ऐसा कुछ है देख सकते हो, यहाँ पे कपड़ा का भी है, दो अच्छा देख सकते हो, तो ये म्यूजियम का अंदर ये सब देखने को मिलता है, काफ़ी बढ़िया है देख सकते हो, और यहाँ पे ये दिखा हुआ देख सकते हैं, ये ऊँट का वो होगा शायद स्किन ना, साल जो होता है, ये देखिए बीकानेरी कैमल, मेवाड़ी,
कच्छ जैसलमेरी केवाई तो ठीक है, यही था म्यूज़ियम का अंदर, बहुत ही बढ़िया से दिखाया। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो वैसे अभी शाम का 5:30 बज चुका है और अभी हमें जाना है बीकानेर की ओर। तो महेंद्र भाई को बाय बाय बोलता हूँ, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब आप लोग सोच देखते हो अचानक से मिला, लेकिन भाई का जो यहाँ का ऐसे ही लोग है, मतलब इतना प्यार देता है ना, कब अपना। हाँ भाई, नेक्स्ट लेवल भाई। ठीक है भाई, महेंद्र भाई चलता हूँ, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा भाई आपके साथ ये जो टाइम बिताए। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप इधर आए जरूर, और अगली बार आए तो फिर से हमें याद करिए। जरूर जरूर भाई, कॉन्टेक्ट करूँगा जरूर भाई। ठीक है, अच्छा से रहना। ओके ओके, ठीक है, चलिए चलते हैं। तो गाइस ये शायद यहाँ का देखिए रिजॉर्ट होगा, कितना खूबसूरत से बना हुआ है। वाह, और वहाँ से हो रहा है प्यार ऐसा सनसेट, अमेजिंग। रिसॉर्ट काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है, देखिए। वाह, तो गाइस सामने आपको दिख रहा होगा हल्का हल्का सा, वो है पूरा बीकानेर एरिया। और महेंद्र भाई भी हमारे साथ जा रहे हैं। तो गाइस काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है, देख सकते सामने का और यहाँ का ऐसा कुछ नज़र आए। और इस तरफ देखिए पूरा ग्रीनरी, क्या मस्त। वाओ, वो पूरा बीकानेर है, क्या खूबसूरत सा ब्रिज भी मिल चुका है फ्लाईओवर आगे। तो गाइस यहाँ पे देखिए दीवारों पे कितना खूबसूरत खूबसूरत तस्वीरें। हाँ भाई, तो गाइस वो रहा जीतू भाई, महेंद्र भाई का बाइक लेके जा रहा है, और महेंद्र भाई यहाँ पे जीतू भाई का बाइसाइकिल चला रहा है। महेंद्र भाई कैसा लग रहा है? ओ शानदार एकदम। अच्छा, और यहाँ से सिटी शुरू हो जाता है ना बीकानेर? अच्छा, तो ये जगह का नाम क्या होता है ऐसे एरिया? अच्छा अच्छा, ओके, छोटा सा क्षेत्र है। हाँ हाँ, तो ये बढ़िया है। तो गाइस आप सभी को स्वागत है बीकानेर में। ऐसा कुछ है सराउंडिंग, दुकान वगैरह यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ से दो रास्ता हो जाता है, सीधा जाता है गंगा शहर द्वार लिखा हुआ है गेट। अभी देखते हैं कहाँ को जाने हैं, राइट लेफ्ट या सीधा। तो गाइस वहाँ पे देखिए कितना बढ़िया से बना हुआ है, शादी उदी होता है शायद, महल क्या बोलते हैं इसको, भवन। और ये रास्ता जाता है आपका सीधा रेलवे स्टेशन की तरफ। तो अभी जा रहा हूँ रेलवे स्टेशन की तरफ। सच में जो महेंद्र भाई था ना, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा भाई के साथ रह के, टाइम स्पेंड करके भाई। और कल मिलेंगे, कल फिर भाई के साथ ही घूमेंगे जो यहाँ के फेमस फेमस प्लेसेस है वो सब एक्सप्लोर करेंगे। एक्चुअली भाई ने भी बोला था फिर भाई के घर जाने के लिए, फिर हमने बोला अभी नेक्स्ट दिन जाएंगे करके, अच्छे से मिल के जाएंगे। तो अभी चलता हूँ, शाम हो चुका है रहने के लिए, देखता हूँ बंदोबस्त करता हूँ चलिए। तो गाइस यहाँ पे और एक भवन मिल चुका है, देखिए। वाओ, कितना प्यारा लग रहा है, खूबसूरत। मानसा गेस्ट हाउस लिखा हुआ है। तो गाइस अभी शाम का 6:20 हो चुका है, और ऐसा कुछ है पूरा मार्केट एरिया यहाँ का। जगह का नाम तो अभी तक देखा नहीं, पूरा थोड़ा सा भीड़ वाला एरिया है यही। नियर बस स्टैंड गोटा कुछ लिखा था ऐसा। एक मोर आ चुका है, ये देखिए पुराना पुराना घर यहाँ पे। ऐसा कुछ है अभी शाम का टाइम। जगह का नाम कुछ गोगा गेट ऐसा, गेट ऐसा कुछ लिखा था, मिल ही नहीं रहे, पता ही नहीं चल रहा है। जगह का नाम है गोगा गेट, ये जो एरिया अभी क्रॉस किया ये एरिया भी आता है गोगा गेट के अंदर ही बीकानेर। तो गाइस सामने वो रहा बीकानेर जंक्शन, और अभी यहाँ पे एक भैया जी बोले कि वो है क्या नाम है
भवन जैसा है, क्या बोलते हो, अभी वोड ही नहीं आ रही है। देखिए रात का ऐसा कुछ नज़र है बीकानेर जंक्शन का। अभी यहाँ पे देखता हूँ रहने का। अभी शाम का 7 बजने वाला है, 15 मिनट बाकी है। पहले गया था धर्मशाला में, वहाँ में फूल है। फिर अभी आया था यहाँ पे होटल है, यहाँ पे भी दाम प्राइस ज़्यादा है। फिर अभी जाता हूँ दूसरा होटल में, वहाँ में थोड़ा सा ठीक ठाक है, वहाँ ही चलता हूँ। ये रहा अपना जीतू भाई। तो गाइस अभी रात का 7:15 हो चुका है और फाइनली काफी ढूंढने का बाद हमें रूम मिल चुका है। रेलवे स्टेशन का सामने ही है, अभी नाम भूल गया होटल का। होटल का नाम कुछ था, पता नहीं क्या था। और ठीक है और ऐसा कुछ है रूम कमरा। अभी जस्ट पहुंचा हो, साइकिल अंदर रख दिया, फ्रेश भी नहीं हुआ हो, अभी बढ़िया से फ्रेश होंगे। और एक चेहरे में मेरा अलग ही खुशी मतलब देखने को मिल रहा है क्योंकि भाई शहर में आ गया अभी फुल एंजॉय फुल धमाका वाला वीडियो बनाएगा भाई। कल पूरा घुमाऊंगा आपको जितना हो सके बीकानेर और बहुत कुछ बीकानेर मैं बीकानेर बोलता था पहले। तो जो भी हो कल बढ़िया से बहुत कुछ हमें सामान भी लेना है। तो मिलता हूँ कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत, जय होम, बाय बाय। तो गाइस अभी रात का 9:30 बज चुका है और हम है अभी बीकानेर और अभी हम है बीकानेर में। वहाँ पे लिखा हुआ है आई लव बीकानेर। और भाई सच बोलो यहाँ पे हमारे जो फैमिली भाई लोग है भाई मेम्बर, माई गॉड जो प्यार मिल रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट लेवल। यहाँ पे एक भाई जी है, भाई जी अपना नाम बोलना। मनीष नाम है भाई का। अरे भाई मैं धीरे धीरे सब कुछ बताऊंगा ये क्या क्या मतलब हो रहा है ना। पहले तो हम लोग रूम में था, फिर भाई लोगों का मैसेज आया, फिर भाई लोगों से मिलने आया और धीरे धीरे बोलता हूँ, सांस ले लेता हूँ। यहाँ पे जो रात का खूबसूरत बीकानेर भाई साहब नेक्स्ट लेवल में देख के तो मतलब दंग रह गया। इतना ज़्यादा खूबसूरत सीनरी देखने को मिला और भाई लोगों ने जो स्पेशल हमें खाना खिलाया यहाँ का, पहले तो खिलाया रबड़ी खिलाया, उसका बार फिर वो किया मिठाई था घेवर खिलाया। ओ भाई गॉड नेक्स्ट लेवल भाई। कहाँ चले गए वो भैया? वो पीछे गए। वो कहाँ गए? आपसे मिलना है जो। अच्छा करता। और यहाँ पे हमें और एक फैमिली में मतलब अपना फैमिली मिलने आए तो उनसे भी मिला। तो उसमें गाइस यहाँ पे जो हमें प्यार मिल रहा है ना लोगों का अल्टीमेट में नेक्स्ट लेवल। और यहाँ पे देखिए का ना चौपटी है। ओ यहाँ पे ओ हेलो सर जी कैसे हो? और भाई ठीक है वेलकम बीकानेर। धन्यवाद बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आपसे। अरे छोटा हूँ। हेलो कैसे हो? बढ़िया। क्या नाम है आपका? विराज। ओके आपका नाम क्या है? गुंजन। ओके वाह मैम नमस्कार। तो मैं बोल रहा हूँ ना गैस और इस तरह ये रहा भाई जी आइए। भाई ने जो खातिरदारी किया ना आने। अरे यार थैंक यू सो मच सच में। अरे कोई बात नहीं मेरे पास आप लोग जुबा, मैं सोच रहा हूँ क्या बोलूँ, इतना जितना भी बोलो इन भाई लोगों के बारे में उतना मेरे लिए कम लगेगा भाई। थैंक यू सो मच। यहाँ का जो हॉस्पिटलिटी है और जो अपना फैमिली का प्यार है मुझे बहुत नेक्स्ट लेवल अल्टीमेट भाई, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ठीक है तो अभी थोड़ा सा बात उत कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे बढ़िया से। बाय बाय। ओके कल मिलते हैं। हाँ जरूर। तो गाइस अभी रात का 10 बज गया और सच 10 बज गया। सच्ची। अभी मैंने देखा बहुत कुछ काम है और थका हुआ भी है। भाई लोगों का मिलने का सच में जो मिलने का अपना सिस्टम था हो गया ना। तो भाई लोग खराब आते हैं। खराब होता है। हाँ हाँ पानी ले लो वहाँ पे, मेरा वो उसमें भरा लो। और सच में गाइस बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे आपको कितना बोल रहा हूँ मैं सच्ची में दिल से बोला, बहुत ही ज़्यादा प्यार मिला उसके लिए, बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद। ठीक है आज का वीडियो फिर दोबारा से एंड करता हूँ। पानी वानी सब कुछ भरा लेता हूँ। मिलता हूँ कल एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत, जय हो, बाय बाय।